हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है सीफा कादरी। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि हैबिट और एडिक्शन में क्या फ़र्क है, और आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मिडल और सेंटर में क्या फ़र्क है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इन दो सवालों का जवाब देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि हैबिट और एडिक्शन में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों का मीनिंग आदत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं कहूंगा हैबिट दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि एडिक्शन सिर्फ नेगेटिव होता है। यानी हैबिट का यूज हम अच्छे और बुरे दोनों सेंस में यूज करते हैं, जबकि एडिक्शन का यूज हम सिर्फ खराब सेंस में ही यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करने की आदत है। यह हैबिट से मेरी अच्छाई का पता चला कि मेरे अंदर एक अच्छी आदत है, और वह है एक्सरसाइज करना। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है I have an addiction of drinking wine. मुझे शराब पीने की आदत है या मुझे शराब पीने की लत है। फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड addiction से एक खराब आदत का पता चला कि मेरे अंदर एक खराब आदत है या एक खराब लत है। तो फ्रेंड्स, वर्ड habit का यूज हम अच्छे और खराब दोनों सेंस में करते हैं, जबकि वर्ड addiction का यूज हम सिर्फ खराब सेंस में ही करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे सिगरेट पीने की लत है या मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तो आप कहेंगे आई हैव एन एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। यानी यहाँ पर आप एडिक्शन का यूज करेंगे क्योंकि आपने यहाँ बताया कि आपको कोई बुरी लत है या आपको कोई खराब आदत है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे दूध पीने की आदत है, तो आप कहेंगे I have a habit of drinking milk. मुझे सुबह में टहलने की आदत है। I have a habit of walking in the morning. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप हैबिट और एडिक्शन में क्या फर्क है समझे होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मिडल और सेंटर में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मीनिंग बीच में होता है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, मिडल और सेंटर ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। यानी ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे के जगह यूज किए जाते हैं, और इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है जो आपको बताया जा सके। आप शब्द बीच में के लिए मिडल और सेंटर दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है शौकत मंसूरी। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि आई थिंक और आई वंडर में क्या फर्क है। यानी थिंक मीन्स सोचना और वंडर मीन्स सोचना। तो फिर हम कैसे समझे कि कब हमें थिंक का यूज करना है और कब हमें वंडर का यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें क्या फर्क है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है या डाउट्स है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले आई वंडर के बारे में देखते हैं कि वंडर का क्या यूज है। फ्रेंड्स, इस तरह का सोच या सोचना जिसे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, यानी जिसे होने की संभावना या इम्कान बहुत कम हो, इस कंडीशन में हम वंडर का यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वर्ड थिंक का यूज तब करते हैं जब हमें कहना हो कि आपने कुछ ऐसा सोचा जो हुआ होगा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी ऐसा यकीन है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपने कुछ ऐसा सोचा जो हुआ होगा, ऐसा आपको यकीन है, तो फिर इस कंडीशन में हम थिंक का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा सोचा जो हुआ होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, तो फिर आप इस कंडीशन में वंडर का यूज करते हैं। जैसे दे थिंक दैट आई एम ऑनेस्ट, वे सोचते हैं कि मैं ईमानदार हूं।
फ्रेंड्स यहाँ वर्ड थिंग से ये पता चला कि उन्हें ऐसा यकीन है या उन्हें ऐसा लगता है या वे ऐसा मानते हैं या वे ऐसा सोचते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। यानी यहाँ वर्ड थिंग्स ये पता चला कि मैं ईमानदार हूँ, ऐसा उनको पूरी पॉसिबिलिटी है या इस बात को उनको पूरा यकीन है, तो इस कंडीशन में हम थिंक का यूज करते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई वंडर ही मे हैव डाइड, मैं सोचता हूँ कि वह मर गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ वर्ड वंडर से ये पता चला कि वह मर गया होगा ऐसी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, यानी मैं ऐसा सोचता जरूर हूँ कि वह मर गया होगा लेकिन ऐसा मुझको यकीन नहीं है या ऐसा हुआ होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हो सकता है कि वह मर गया होगा, हो सकता है नहीं भी। फ्रेंड्स लिखा है आई थिंक गॉड इज वन, मैं सोचता हूँ कि गॉड एक है। फ्रेंड्स अब यहाँ वर्ड थिंग से ये पता चला कि गॉड एक है ऐसा मुझे यकीन है या इस बात की होने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ आई वंडर दे वुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, तो इसका मतलब हुआ कि मैं सोचता हूँ कि वे लोग एक बिजनेस शुरू किए होंगे, यानी मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा मुझे यकीन नहीं है या ऐसा हो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हो सकता वो बिजनेस शुरू किए होंगे और नहीं भी। यानी जब हम वंडर का यूज करते हैं तो यकीन वाला सेंस नहीं आता, लेकिन जब हम थिंक का यूज करते हैं तो यकीन वाला सेंस आता है कि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा यकीन करता हूँ या मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको थिंक और वंडर में फ़र्क समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोज कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।